So in trigonometry, this is a kind of set, right? A set of formulas. They are among the very, very important formulas, right? And today in this session, we will be understanding all these formulas, right? Formula ko ratne se to kuch baat banti nahi hai. Agar hum usse samajhne lag jaye to badi achhi baat hoti hai. तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, इसको डिराइव करेंगे और फिर इनके ऊपर क्वेश्चंस भी देखेंगे. ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं. दिस सर्टेनली इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. तो आप चाहें तो इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर एक एक करके इन सबको देखते हैं क्या है और कैसे इसके इसे समझना है. ओके, तो आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं. आई होप यू हैव डन दैट. ठीक है, चलो देखो, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करना चाहूँगा. मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको ये चीज़ बता रखी है, क्या कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी, माइनस साइन ए साइन बी, और अगर कॉस ए माइनस बी है तो इस केस में क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी. ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे पास साइन ए प्लस बी है तो ये क्या होता है बच्चों, साइन ए प्लस बी कॉस ए साइन बी, राइट, साइन ए कॉस बी एंड कॉस ए साइन बी, और अगर माइनस है तो यहाँ वही चीज़ माइनस जाती है. ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर कॉस में हमारे पास प्लस है तो माइनस होता है, माइनस है तो प्लस होता है. साइन में हमारे पास, और दोनों चीज़ें सेम होती हैं यहाँ पे, राइट, कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी. ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो मुझे लगता है इसकी भी मैंने आपको प्रूफ भेज रखा था वीडियो रिकॉर्डिंग में. ठीक है, अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप लिंक दोबारा से मेरे से मांग लो. सो दैट इज़ वन थिंग, राइट, ये बिल्कुल ही बेसिक है और मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को आता है. जितने लोगों को आता है कैन दे रेज देयर हैंड, जस्ट रेज योर हैंड, प्रोसीड है, राइट, ये बेसिक बात है, राइट, इसकी डिस्कशन हम लोगों ने कर रखी है, वीडियो लेक्चर मैंने इसका आपको भेजा था. ओके, ठीक है, अगर नहीं है तो इसको प्लीज नोट कर लो और क्लास के बाद ही इमीडिएटली मुझे मैसेज ड्रॉप करो सो दैट आई कैन शेयर यू द वीडियो. ओके, देखो अब ये वाली चीज, ये जो आपने प्रूव कर रखा है, इससे आपको दो बल्कि चार इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आते हैं, राइट. All these conclusions are very, very important conclusions. Believe me, when I say important, it really means very, very important. Not just in class 11th, but in class 12th, in competitions, in calculus, in inverse trigonometry, number of places you will find the application of these basic formulas. Ho kya raha hai? Dhyan se dekho. कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी, अगर तुम इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी ना, बचेगा क्या, ट्वाइस ऑफ कॉस ए कॉस बी, और अगर इनका आप सब्सट्रैक्शन लो तो क्या हो जाएगा, कॉस वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और आपके पास क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ साइन ए साइन बी. ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहीं से निकलता है, कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हाँ ये चीज़ समझ में आनी चाहिए आपको. ओके, सिमिलरली अगर मैं इस इन दोनों को देखो, जो नीचे जो हमारे पास दो फॉर्मूलेज हैं, राइट, दीज टू वंस, इसमें अगर मैं बात करूं, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी, अब क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाली चीज कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा, ट्वाइस ऑफ साइन ए कॉस बी, ट्वाइस ऑफ साइन ए कॉस बी. सिमिलरली अगर मैं इनका डिफरेंस ले लूं तो क्या हो जाएगा, जो नेगेटिव वाली चीज है वो ट्वाइस होकर के आ जाएगी, विच इज ट्वाइस ऑफ कॉस ए साइन बी. ठीक है बच्चों, तो इतनी सी बात, ये सब इसी बेसिक फॉर्मूले से निकल के आती है. और अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसकी एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा वाइड है, इसको भी ध्यान से तुम्हें समझना है, राइट. मैं कभी भी कोई फॉर्मूला तुम्हें रटवाता नहीं हूँ आज तक कभी भी, ठीक है. इन सब का डेरिवेशन मैंने आपको दिया है और ये भी मैं आपको अभी बता रहा हूँ क्या इसके पीछे का रीजन है, कैसे डिराइव होता है, ये सारी बातें. अब देखो यहाँ से मैं दो बल्कि चार रिजल्ट पे आना चाहता हूँ. कई बार आप देखेंगे आपके पास ना कुछ इस तरह के कंडीशंस होते हैं, जैसे कि सपोज करो यू हैव साइन सी प्लस साइन डी, यू हैव टू फाइंड आउट वॉट इज दैट, राइट. या फिर आपके पास कुछ ऐसी बात भी हो सकती है कि साइन सी माइनस साइन डी एंड यू हैव टू थिंक क्या पॉसिबिलिटी है. ठीक है, यही वाली चीज कॉस के साथ भी हो सकती है, कॉस सी प्लस कॉस डी एंड कॉस ऑफ सी माइनस कॉस ऑफ सी. ठीक है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको बहुत फ्रीक्वेंटली कैलकुलस में मिलेंगी, राइट. आप में से वन ऑफ यू इज इन क्लास 12, सो ही विल अग्री टू दैट, राइट. तो देखो
जैसे ही तुम इन बातों को समझना शुरू करते हो, अब देखो ये चीज कैसे डिराइव होती है, ये चीज यहीं से, ये जो तुमने चार फॉर्मूले इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके डिराइव किए, ये वाली चीज भी, ये रिजल्ट भी यहीं से निकल के आता है. सी द बैड साइड और द चैलेंज अबाउट ट्रिगोनोमेट्री इज दैट यू हैव अ लॉट ऑफ फॉर्मूलेज एंड द गुड साइड इज दैट दे आर वेरी क्लोजली इंटरकनेक्टेड. द टाइम यू स्टार्ट यू नो रिलेटिंग दैम एंड कनेक्टिंग दैम, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड. हर चीज आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती है, तो उससे समझ में आना शुरू हो जाता है और फिर वो ऑटोमेटिकली ध्यान रहता है. ठीक है, अब जैसे हमने सिंपल कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी से स्टार्ट किया और हम इस रिजल्ट पे आ गए. अब यहाँ से हम इस रिजल्ट पे आना चाह रहे हैं, अब बात आ रही है भाई कैसे आएंगे. चलो देखो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं. यहाँ पे जो ये ए प्लस बी है बच्चों, जो ये ए प्लस बी है, मैं अगर इसको सी बोल दूँ और अगर ए माइनस बी को डी बोल दूँ, ठीक है, ध्यान से देखना मैंने क्या किया है. देखो मैं यहाँ पे अलग से तुम्हें लिख के बता रहा हूँ, मैंने a प्लस बी को c लिया है और a माइनस बी को d लिया है. किसमें? यही चार फॉर्मूले जो हम लोगों ने अभी कंक्लूड किए थे. ठीक है, तो मैं c और d के बारे में या फिर a और b के बारे में क्या कह सकता हूँ, ध्यान से देखना. अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ, राइट, इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड कर दूँ, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर वन एंड लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर टू, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाता है, मुझे मिल जाता है ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल टू सी प्लस डी. यानी मैं ए के बारे में क्या कहूंगा बच्चों, दैट इज व्हाट, दैट इज सी प्लस डी बाई टू. ओके, एंड सिमिलरली जब मैं इनको सब्सट्रैक्ट करूंगा तो मुझे बी की वैल्यू मिल जाएगी. बी क्या मिलने वाला है मुझे, सी माइनस डी बाई टू. ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें ए और बी की वैल्यू पता लग जाती है. अब तुम बहुत ध्यान से देखना, मैं जब ये साइन सी प्लस साइन डी की बात कर रहा हूँ तो क्या मैं इसमें फॉर्मूला नंबर थ्री की बात कर सकता हूँ क्या? a प्लस बी क्या है मेरे पास, c, और a माइनस बी क्या है बेटा मेरे पास, d. दिस इज इट एग्जैक्टली रिलेटेड टू व्हाट, इट इज रिलेटेड टू दिस फॉर्मूला नंबर थ्री. मैं इसको क्या लिखना प्रेफर करूंगा तुम बताओ. मैं इसको लिखूंगा ट्वाइस ऑफ साइन a, और a c और d के फॉर्म में क्या है, इट इज c प्लस डी बाई टू. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट, राइट. कॉस ऑफ b C प्लस डी के फॉर्म में B कितना है, इट इज C माइनस डी बाई टू. ठीक है बच्चों, साइन C माइनस साइन D की जब मैं बात करूंगा, अब यहाँ पे क्या समझ में आता है मुझे, यहाँ पे मुझे फोर्थ रिजल्ट समझ में आता है, बिकॉज ये C है और ये D है. साइन C माइनस साइन D, ये कितना होने जा रहा है मेरे पास, दिस इज गोइंग आउट टू बी ट्वाइस ऑफ cos A साइन D, और A कितना है, C प्लस डी बाई टू. तो ध्यान से देखो यहाँ पे जो रिजल्ट है मेरे पास, राइट, ये a की जगह पे मैंने क्या रखा, c प्लस डी बाई टू, और b के जगह पे मैंने क्या रखा, c माइनस डी बाई टू. एग्जैक्टली सेम चीज़ें हमारे पास रेप्लिकेट हो रही, सिर्फ वेरिएबल्स हमने चेंज किए, लिखने का तरीका अलग है, बट आई होप यू अंडरस्टैंड दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड, राइट. जब मैं cos c प्लस cos d की बात करूंगा तो मैं यहाँ पे क्या सोचने जा रहा हूँ, सर्टेनली द फर्स्ट वन, राइट, cos c प्लस cos d. देखो ये तुम्हारे पास सी है, दिस इज सी, ध्यान से देख लो, ए प्लस बी को तुमने सी लिया था, ठीक है, और इसको तुमने क्या लिया था, इसको आपने डी लिया था. तो कॉस सी प्लस कॉस डी की जब हम बात करने जा रहे हैं तो यहाँ पे कितना है मेरे पास, ट्वाइस ऑफ कॉस ए कॉस डी. ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसमें ट्वाइस ऑफ कॉस ए कॉस डी, यानी ए की जगह पे मेरे पास कितना आने जा रहा है, सी प्लस डी बाई टू, और बी के जगह पे मेरे पास कितना आने जा रहा है, सी माइनस डी बाई टू. दैट इज एब्सोल्युटली फाइन. बट वेन यू टॉक अबाउट द लास्ट वन, यहाँ पे यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, बहुत ध्यान से तुम्हें सोचना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि तुमने लिखा तो है cos c माइनस cos d, जबकि ये जो मेरे पास फॉर्मूला है यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्या है, ये cos d माइनस cos c है, यानी यहाँ पे माइनस साइन थोड़ा सा आगे पीछे हो रखा है. तो अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा ना cos c माइनस cos d इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ साइन a साइन b, राइट. इसीलिए इसके रिजल्ट में आप हमेशा देखेंगे, बुक्स में आप आज के क्लास के बाद ही देखिएगा, राइट, इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर से देखना क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हमेशा माइनस साइन लगा होता है, बाकी चीजें वही रहती हैं, क्या, सी प्लस डी बाई टू एंड साइन ऑफ सी माइनस डी बाई टू. ठीक है, माइनस साइन यहाँ पे कॉस सी माइनस कॉस डी वाले में होता है, इसके पीछे का रीजन आई होप आपको समझ में आया होगा. कुछ बुक्स में इसको कभी इस तरीके से भी एक्सप्रेस करते हैं, इस माइनस साइन को अंदर एडजस्ट कर देते हैं, यानी इस माइनस साइन के जगह पे यहाँ पे क्या करेंगे, साइन सी माइनस डी था ना, इसको ये लिख देते हैं साइन डी माइनस सी, तो दैट इज ऑल्सो ओके.
Why? Because sine of minus theta is what? Sine of minus theta is what? Sine of minus theta is minus sine theta. Fourth quadrant में, right? Minus theta किधर है? Fourth quadrant में है. और fourth quadrant में sine हमारे पास क्या होता है? ASTC. That is negative. ठीक है? अगर cos of minus theta होता तो वो क्या होता है बच्चों? That is always positive. ठीक है? तो इन basic चीजों को, इन results को आपको ध्यान रखना है, right? I want कि आप इसका screenshot लेके रख लें, ताकि आगे भी, और देखो हर चीज को समझ के रिलेट करके करो तो तुम्हें कभी भी कोई भी चीज मुश्किल नहीं लगेगी. ट्रिगोनोमेट्री सिर्फ और सिर्फ इसीलिए जिन बच्चों को परेशानी होती है उनको सिर्फ इन फॉर्मूले से परेशानी है. यार इतने सारे फॉर्मूले हैं कैसे याद रखें, बट इतने सारे फॉर्मूले तो क्या हो गया बेटा, सब कुछ इंटर रिलेटेड है, राइट. ध्यान से देखो तुम्हारे पास सिर्फ ये, अगर तुम्हें सिर्फ इतना याद है ना कि साइन ए प्लस बी क्या है और कॉस ए प्लस बी क्या है, तो उसी से ये सब कुछ निकल गया. सिर्फ दो चीजें हैं मेन, वन टू, दैट इज ऑल. cos a plus b से cos a minus b ध्यान रहता है, sin a plus b sin a minus b ध्यान रहता है, और ये सब सारा रिजल्ट इन्हीं दो से निकल के आ रहा है. तो इफ यू वांट टू कनेक्ट इट लॉजिकली एंड इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, थिंग्स आर इजी टू इंप्लीमेंट एंड टू रिमेंबर. बट इफ यू ट्राई एंड क्रैम इट, रटना तो चाहोगे तब तो परेशानी होगी. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अगर यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया है तो फटाफट जरा मुझे कमेंट करके बताओ आई अंडरस्टैंड, आई यू, एंड इफ यू वांट मी टू रिपीट जस्ट टाइप आर, डू इट फास्ट. If you understand, just type IU, else type R. Okay, that is fine. ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं. I haven't received any R, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ. देखो इसको हम आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे यहाँ से इस कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे. cos a माइनस बी, cos a प्लस बी, हम लोगों ने एज इट इज यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया, राइट. तो ये वही चीज़ है, राइट. उसी चीज़ को बस एक बार एक रिवाइज करने का यहाँ पे एक तरीका हमें मिल रहा है, एक मौका मिल रहा है कि ये कितना होने जा रहा है. दिस इज ट्वाइस ऑफ कॉस ए कॉस बी, राइट. ट्वाइस ऑफ कॉस ए कॉस बी. और यहाँ पे भी बहुत क्लियरली आपको पता लग रहा है क्या, ये माइनस से माइनस कैंसिल होने जा रहा है और ये माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा. तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, दैट विल बी ट्वाइस ऑफ साइन ए साइन बी, राइट. दैट इज अनदर इजी थिंग. देन साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी, यहाँ ध्यान से देखो ये वाली चीज़ कैंसिल हो रही है. ठीक है, बहुत इजी है ना, इजंट इट वेरी इजी, राइट. दैट इज साइन ए कॉस बी. और जब माइनस करते हो तो क्या होता है, ये जो पॉजिटिव वाली चीज होती है ये वाली चीज कैंसिल हो जाती है और माइनस माइनस क्या बन जाता है, प्लस. तो ये सारे रिजल्ट्स वही हैं जो तुमने अभी पीछे देखा था, राइट. नथिंग न्यू अबाउट देम. ओके, आई होप दैट इजी एंड विदाउट डिलेइंग आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्क्रीन. यस, ये अभी अभी तुमने डिराइव किया था, इट्स टाइम टू रिवाइज इट. देखो कैसे इसको ध्यान रखोगे, ठीक है, डिराइव कर लिया तुमने, तुमने समझ लिया, बट एट दी एंड जब एग्जाम की बात आती है तो हमें सोचना पड़ता है इसको याद कैसे रखें. ठीक है, तो देखो मैं तुम्हें याद रखने की भी तरकीब बताने की कोशिश करता हूँ. आई विल ट्राई टू गिव यू सम पॉइंट्स दैट विल हेल्प यू टू रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज. व्हेन इट इज साइन, इट इज ऑलवेज साइन एंड कॉस. ये हमेशा तुम्हें ट्वाइस ऑफ साइन और कॉस के फॉर्म में मिलेगा जब ये साइन होगा, चाहे प्लस है या माइनस है. ठीक है, मैं तुम्हें ध्यान से जो बता रहा हूँ उसको समझना, तुम्हें ये फॉर्मूला अभी याद हो जाएगा, राइट. अगर दोनों चीज़ें साइन में हैं तो मेरा रिजल्ट साइन और कॉस में होगा. जब ये प्लस है तो साइन के साथ प्लस वाला होगा, वो तो तुम्हें याद ही था. सी प्लस एक सी प्लस डी बाई टू होता है और एक सी माइनस डी बाई टू होता है. और जब ये माइनस आ जाता है तो कॉस के साथ प्लस वाला हो जाता है, ठीक है, और साइन के साथ माइनस वाला हो जाता है. ठीक है बच्चों, कैसे याद रखोगे ये बात समझ में आ गई. जब कॉस है और जब प्लस है तो दोनों चीजें कॉस में रहेंगी, दोनों चीजें कॉस में रहेंगी. सी प्लस डी बाई टू एंड सी माइनस डी बाई टू, दोनों ही चीजें कॉस में रहेंगी. और जब ये माइनस है तो दोनों ही चीजें साइन में रहेंगी, दोनों ही चीजें साइन में रहेंगी. लेकिन हाँ, तुम्हें ये चीज ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पे तुम्हारे पास एक माइनस साइन लगा लो तो बड़ा अच्छा रहता है. अदरवाइज क्या ध्यान रखना पड़ता है हमें, कि हमें यहाँ पे सी माइनस डी बाई टू की जगह पे अगर मैं ये माइनस साइन नहीं लगाता हूँ तो मैं इसको एक और तरीके से कैसे लिखता हूँ, राइट. ये भी अभी अभी आपने जस्ट पहले लिखा था, सी प्लस डी बाई टू एंड डी माइनस डी बाई टू. ठीक है, सो अंडरस्टैंडिंग इज वन थिंग, डिराइविंग इज वन थिंग, एंड देन अल्टीमेटली इज कीपिंग इट इन माइंड so that it is easily, you know, you can easily apply it in your exam, right? That is other aspect. So, मैं ये चाहता हूँ कि आप इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर अपने साथ रख लेते हैं
कि हाँ इस तरीके से तुम रिलेट कर पाओ, ध्यान रख सको, तो बड़ा अच्छा रहता है। फिर से बताता हूँ, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी। साइन के अगर दोनों हैं तो साइन कॉस दोनों आएगा, अगर प्लस है तो साइन वाला प्लस होगा, कॉस वाला माइनस होगा, अगर माइनस है तो कॉस वाला प्लस होगा, साइन वाला माइनस होगा। अगर दोनों कॉस में है तो या तो मेरे पास दोनों कॉस आएगा या दोनों साइन आएगा, किस पे डिपेंडेंट है, अगर प्लस है तो कॉस, अगर माइनस है तो साइन, राइट। कॉस वाले में कोई टेंशन ही नहीं है, सी प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, बस साइन वाले में ये ध्यान रखना है, माइनस वाले में क्या, यहाँ बाहर माइनस लगा देना और सी प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे डी कन्फॉर्मिटी से, डी तुम्हारे पास कौन सा है, जो सेकेंड एंगल है वही डी है, कॉस डी माइनस कॉस डी में डी इज वॉट द सेकेंड एंगल, डजेंट मैटर वेदर दिस इज लार्जर और स्मॉलर, ओके, ठीक है बच्चों, ओके। देखो अब मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा, अब मैं इन चीज़ों पे आता हूँ जिस पे आज हमारा मेन फोकस है, ठीक है। तो साइन टू ए है, साइन कॉस टू ए है, टैन टू ए है, इन सबको समझना अब तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है, राइट। आओ पहले थोड़ा थोड़ा सा समझते हैं, जैसे तुम्हें क्या मालूम है, देखो ये सारी चीज़ें मैंने बोला ना, सिर्फ दो फॉर्मूले अगर तुम्हें आते हैं, कौन से मैंने बोले थे, साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी, अगर तुम सिर्फ ये दो फॉर्मूले ठीक से समझते हो, मतलब अगर मैं बोलूँ तुम पे प्रेशर कितना है तो सिर्फ दो फॉर्मूले का है, मेरे समझ में ट्रिगोनोमेट्री इन दो फॉर्मूले पे ख़त्म हो जाती है, बाकी सब कुछ इसी पे रिलेटेड है, एवरीथिंग, राइट। ये वाली चीज़ तुम्हें अच्छे से मालूम है क्या होती है बेटा, जैसे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, बाकी जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने भी आइडेंटिटीज़ हैं, सब के सब यहीं से निकल के आते हैं। ये क्या है, दिस इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, राइट, दैट इज व्हाट इट इज। अगर यहाँ बीच में माइनस हो गया तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और अगर यहाँ माइनस हो गया तो यहाँ प्लस हो जाएगा, राइट। ये सारी बातें अभी हम लोग करते आ रहे हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है साइन टू ए, कोई टेंशन नहीं है। क्या करोगे, क्या करोगे बताओ, बी के जगह पे ए रख दो ना, बी के जगह पे ए रखा तो तुम्हारे पास कितना आ गया बताओ, यू विल बी गेटिंग साइन ऑफ टू ए, एंड व्हाट यू गेट ऑन द राइट हैंड साइड, इट इज साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन ए, राइट, दिस विल बिकम व्हाट, साइन ए कॉस ए एंड कॉस ए साइन ए, तो दोनों चीज़ें साइन ए कॉस ए आ गई, यानी तुम्हारे पास रिजल्ट कितना आ गया बेटा, ट्वाइस ऑफ साइन ए कॉस ए, ठीक है, ट्वाइस ऑफ साइन ए कॉस ए, एग्जैक्टली इस तरीके से आप इसको मेंशन कर लेते हैं। और अगर आप यहाँ पे कभी भी कॉस ए प्लस बी की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी जब आप बी की जगह पे ए रखेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस ए, व्हाट इज दैट, दैट इज कॉस स्क्वायर ए, दैट इज कॉस स्क्वायर ए, एंड साइन ए इंटू साइन ए, ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, तो कॉस टू ए कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें ये दो पहले बेसिक फॉर्मूले समझ में आते हैं। हाँ, इसमें और भी जो पार्ट है उसको भी हम टच करेंगे, राइट, कुछ भी इसमें से बचने नहीं जा रहा, राइट, नथिंग इज गोइंग टू बी लेफ्ट इन टूडेज डिस्कशन। ये सारी चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए, कैसे आती हैं, क्या आती हैं, ठीक है, ओके। इसके टैन वाले एस्पेक्ट पे मैं थोड़ा सा अभी रुक के बात करूँगा, राइट, पहले इनका ये जो बाकी एस्पेक्ट है इसकी बात करूँगा, ठीक है। तो देखो अब ये कॉस टू ए में थोड़ा सा इसको ये सेकेंड और थर्ड फॉर्म लेके आते हैं। सेकेंड फॉर्म में क्या है, ये साइन स्क्वायर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट, ट्वेल्थ के बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको पता है ये चीज़ें कितना ज़्यादा वो कैलकुलस में यूज़ कर रहे हैं, बार बार ये फॉर्मूले यूज़ करते हैं, राइट, सब्सटीट्यूशन में, सो सर्टनली दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको अगर मैंने साइन में कन्वर्ट करना है तो मैं कॉस स्क्वायर, ये सब बातें तो सबसे पहली क्लास में आप लोगों ने की थी, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू वन, ध्यान आ रहा होगा आपको, कहाँ से आया था निकल के, ये पाइथागोरस थ्योरम से निकल के आया था, राइट, व्हाट वाज द जेनेसिस, व्हाट वाज द आइडियोलॉजी टू गेट ऑल दैट, वी गॉट इट फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, राइट। और अगर यहीं से हमने, हमारे पास दो कंक्लूजन और आए थे, याद दिलाओ क्या था, वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा दैट वॉज इक्वल टू वॉट, दैट वॉज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा, और एक और क्या निकला था पाइथागोरस थ्योरम से, दैट वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये तीनों बेसिक चीज़ें आपने पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट की थी, निकाली थी, डिराइव की थी, ठीक है। अगर कभी कोई कंफ्यूजन आए, अक्सर यहाँ पे बच्चे इन दोनों में, फर्स्ट वाला तो बहुत इजीली सबको ध्यान रहता है मैंने देखा है, बट ये जो सेकंड और थर्ड है यहाँ पे मैंने बच्चों को कंफ्यूज होते देखा है, कई बार वो लिख देते हैं वन प्लस सेक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा, दैट्स अ वेरी कॉमन एरर दैट आई हैव सीन, वन प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, तो इस तरीके की बात नहीं आनी चाहिए, इस तरीके से आपको कभी फंसना नहीं चाहिए। देखो क्यों, कैसे नहीं फंसोगे, अगर सिर्फ तुम्हें ये वाली बात भी याद रहती है ना तो भी तुम नहीं फंसोगे, क्यों, तुम क्या करो इसको, अगर तुम्हें टेन तक पहुंचना है तो तुम क्या करो इसको कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो, जब तुम इसको कॉस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बताओ, साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर क्या हो जाता है, टेन स्क्वायर होता है, ठीक है ना,
और cos square by cos square क्या होता है, 1 होता है, और 1 by cos square क्या होता है, sec होता है। तो यहीं से ये चीज़ें डिराइव हो सकती हैं। अगर आपको ये वाला फॉर्म चाहिए तो आप क्या करेंगे, इस बार आप क्या कीजिए, इस बार आप इसको साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। साइन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये तो हो गया 1, ये हो गया cot और ये हो गया cosec, ठीक है। तो एवरी थिंग इज इंटर रिलेटेड, दैट इज दी नो बेस्ट थिंग अबाउट ट्रिगोनोमेट्री, दैट यू हैव जस्ट टू थिंग्स राइट, और वो भी तुम्हें समझ में आता है क्या है वो। तो अगर तुम चीज़ों को रिलेट करते हुए चलो, समझते हुए चलो, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं बार बार यही बात तुम्हें बताने की कोशिश करता रहता हूँ। अब देखो, जैसे ही तुमने इन चीज़ों को रिवाइज कर लिया, तो अब इसको क्या लिखोगे तुम, इसको तुम लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये साइन स्क्वायर ए तुम्हारे पास पहले से था, तो तुम्हारे पास रिजल्ट आ गया ना जो तुम्हें चाहिए था। क्या चाहिए था तुम्हें, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, यही तो चाहिए था तुम्हें, राइट, दैट इज वॉट दे हैव रिटन। यू अंडरस्टैंड ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कैसे आ रहा है। अगर मुझे कॉस में कन्वर्ट करना है तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये साइन स्क्वायर ए की जगह पर रिप्लेस करूँगा, इसकी जगह पर ये कॉस स्क्वायर को आई वोंट टच, कॉस स्क्वायर ए आई लीव इट लाइक दैट, और इसकी जगह पर मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसको इधर साथ में माइनस माइनस साथ में करूँ कितना आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपको ध्यान रहती हैं, राइट। ज़्यादातर जब आप कभी कैलकुलस करेंगे तो ये वाले जो दो फॉर्मूले हैं ये बहुत फ्रीक्वेंटली मिलने वाले फॉर्मूले हैं, दिस वन एंड दिस वन। ये एक्चुअली में जो मिलते हैं इनका फॉर्म थोड़ा सा अलग होता है, ये कुछ आपको इस तरीके से मिलते हैं, राइट, 1 प्लस cos 2 थीटा एंड 1 माइनस cos 2 थीटा, हमेशा इस फॉर्म से मिलते हैं, बट कोई फर्क नहीं पड़ता ना। देखो, 1 प्लस cos 2 थीटा कैसे आएगा, जब इस माइनस वन को, इधर तुम्हारे पास कितना है बेटा, इधर तुम्हारे पास cos 2a है, तो इस माइनस वन को उठा के इधर ले जाओगे तो 1 प्लस cos 2a आ गया, क्या निकल के आया, 2 cos square a, समझ रहे हो ना, इट इज़ वॉट, इट इज़ 2 cos square a। और 1 माइनस cos 2a, देखो ये तुम्हारे पास 1 है और यहाँ पे cos 2a है, इस cos 2a को इधर लाओगे तो क्या आएगा, 1 माइनस cos 2a, इसको लेफ्ट साइड पे जाओगे क्या आएगा, 2 sin square a। तो ये तुम्हें जो कैलकुलस में जो मिलता है वो जनरली इस फॉर्म में मिलता है, ठीक है। लेकिन ये सब निकल के कैसे आ रहा है, आई होप दैट थिंग इज क्लियर, ओके। नाउ इसके बाद मैं टैन की बात करना चाहता हूँ, और फिर हम इसकी बात भी करेंगे कि ये आखिर ये 2 tan a और ये सब चीज़ें कैसे आती हैं। ये सारी बातें, एक भी फॉर्मूला बचना नहीं चाहिए, राइट, एवरी थिंग शुड बी वेरी वेरी क्लियरली, शुड गो इन टू आर हेड, दैट शुड गो इन टू आर हेड, ओके। So I would like to erase the screen. I hope everything is okay. If it is okay, just quickly type okay in the chat box so that I can proceed ahead. If you want me to repeat, you can type R. You can type R. ठीक है, सब कुछ रिलेटेड है, राइट, सब कुछ ईजी है, सब कुछ रिलेटेड है, बस ध्यान से हर चीज को समझते जाना है। चलो, वंडरफुल, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि मैं इसको अपलोड कर दूँ, सो दैट इट इज़ अवेलेबल टू ऑल ऑफ यू इवन आफ्टर टुडेज क्लास। सो लेट्स सी, टैन टू ए की बात करते हैं। मैंने तुमसे बार बार कहा कि सिर्फ दो फॉर्मूले अगर तुम्हें ध्यान में है तो बात बन जाती है। क्यों ऐसा मैंने कहा, क्योंकि शायद आप लोग ये बात जानते हैं कि टैन टू ए को मैं ज़्यादा फॉर्मूले में बिलीव नहीं रखता। मैं इसको बोलूँगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, बोलूँगा ना, कोई टेंशन तो नहीं है आपको, ठीक है। और साइन टू ए की डिटेल्स हमने अभी अभी देखी हैं, वो क्या था, इट वॉज ट्वाइस ऑफ साइन ए कॉस ए, राइट, और कॉस को तो कैसे भी लिख सकते हैं। तो फिलहाल हमें अल्टीमेटली हर चीज़ को टैन में कन्वर्ट करना, तो मैं इसको साइन के फॉर्म में लिखना प्रेफर करूँगा। साइन के फॉर्म में अगर मैं इसको लिखता हूँ तो ये क्या बनेगा, दिस विल बी 1 माइनस और कितना, 2 sin square a, राइट, 2 sin square a, दैट इज वॉट वी वुड बी गेटिंग हेयर, ठीक है, 1 माइनस 2 sin square a, ये ऐसा मेरे पास कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, tan 2a को sin 2a ओवर cos 2a लिखा, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा ओवर cos थीटा, फिर मैंने sin थीटा का एक्सपेंशन कर दिया और फिर मैंने यहाँ पे cos थीटा का एक्सपेंशन कर दिया, ठीक है। वी जस्ट वॉन्ट टू सी कि हमारे पास जो भी रिजल्ट है वो कैसे आएगा, ओके, हाउ कैन वी गेट दैट रिजल्ट। तो देखो, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करता हूँ, किससे डिवाइड करता हूँ, हालांकि ये रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, दिस इज एब्सोल्युटली फाइन। आप अगर इसको सिंपल
साइन कॉस्ट में लिख लें तो ज़्यादा आसानी से, ये आपको पता है ये रिजल्ट सही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम इसको कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं, इवन दिस इज ऑल्स के, ठीक है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि ये जो फॉर्मूला है ये तुम एग्जैक्टली रिक्रिएट कर सको, एग्जैक्टली सेम चीज़ तुम रिक्रिएट कर सको विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो क्योंकि अगर वहाँ पे 2 होता ना तो ये यहाँ पे 2 लाने में तुम्हें फिर से थोड़ी सी एफर्ट लगाने पड़ते, अभी ये सिंपल तरीके से हो जाएगा। तो अब मैं देखो ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जनरली हमारे बुक्स में क्या होता है, अगर कोई भी चीज़ टैन में दे रखी है तो उसको टैन में ही रखते हैं, कॉट में दे रखी है तो कॉट में ही रखते हैं। तो ये अभी हमारा साइन और कॉस में है, हम इसको टैन में कन्वर्ट करेंगे। टैन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी विल डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर ए। तो जब मैं न्यूमरेटर को कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये कॉस ए कट जाएगा और साइन ए बाई कॉस ए होगा। साइन ए बाई कॉस ए कितना होता है, दैट इज 2 टैन ए, राइट। और कॉस स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया। साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर कितना हो गया, दैट इज टैन स्क्वायर ए। तो इस तरीके से तुम्हारे पास टैन 2 ए भी ईजिली निकल के आ जाता है, ठीक है बच्चों, राइट। यहाँ पे भी मुझे उम्मीद है आपको कोई परेशानी यहाँ पे भी नहीं आ रही होगी, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, ओके। तो मूविंग ऑन, आइए इसके आगे देखते हैं और हमारे पास क्या है। तो टैन 2a है और आगे हमारे पास 3a भी दिख रहा है और cos 3a भी है, ठीक है, नो टेंशन नो वरीज। इससे पहले बिफोर वी, अभी 2a में हमारे पास दो बातें रह गई हैं, ये tan वाली बात रह गई है, ये tan वाली बात रह गई, दो बातें रह गई हैं, ये दो बातें भी हम यहाँ पे करना और सीखना चाहेंगे, ठीक है, बिकॉज ये वाली चीज़ तो हमें समझ में आ गई, कोई टेंशन नहीं है। तो देखो आओ इस पे वापस से आते हैं कि आखिर ये जो मेरे पास साइन 2a है ये क्या था, ये मेरे पास था, दिस वॉज ट्वाइस ऑफ साइन a cos a, करेक्ट, इट वॉज वॉट, इट वॉज ट्वाइस ऑफ साइन a cos a। और जो मेरे पास cos 2a था ये कितना था बच्चों, दिस वॉज साइन, बल्कि cos square a माइनस साइन square a, है ना, दिस वॉज cos square a माइनस साइन square a। वी वॉन्ट टू सी them इन द फॉर्म ऑफ tan, तो बहुत टेंशन नहीं है, क्या करो ना, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे cos square a से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड करने जा रहे हो, cos square a से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तुम्हारे पास अभी डिनोमिनेटर क्या है, 1 है, ध्यान से देख लो, दोनों जगह पे तुम्हारे पास डिनोमिनेटर क्या है, 1 है। तो आप जब इसको किससे डिवाइड करने जा रहे हैं बच्चों, cos square a से डिवाइड करने जा रहे हैं। तो न्यूमरेटर में cos square a से जब मैं डिवाइड करूंगा तो एक cos a तो कैंसिल हो जाएगा, sin a अपॉन cos a क्या मिलेगा मुझे न्यूमरेटर में, tan a मिलेगा। और 1 बाई cos square a, उसको क्या मैं sec square a लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ ना। सिमिलरली दूसरे को भी साइमल्टेनियसली कर लेते हैं, इसको भी जब मैं cos square a से डिवाइड करूंगा तो ये तो हो जाएगा 1, ये बनेगा मेरे पास tan square a, और नीचे भी मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 बाई cos square a विच इज sec square a। नाउ आई होप मैंने अभी अभी आपको ये बात बताई थी कि sec square a को मैं क्या लिखता हूँ, 1 प्लस tan square theta लिख सकता हूँ, यानी कि 1 प्लस tan square a, यहाँ पे theta की वैल्यू a है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें बहुत इजीली ये बात ध्यान रहेगी दैट ट्वाइस ऑफ tan a ओवर 1 प्लस tan square a कैसे निकल के आता है। और यहाँ पे भी ये वाली चीज़ कितनी हो जाएगी, इसकी जगह पे तुम क्या रखने जा रहे हो, 1 प्लस tan square a रख दो, स्पेस कम है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो दैट इज 1 माइनस tan square a एंड 1 प्लस tan square a, ठीक है। तो ये अपर पार्ट ऑफ द फॉर्मूला लिस्ट तुमने अभी समझा, डिराइव किया कि कौन सा फॉर्मूला क्यों होता है, कैसे होता है, इज इट ओके चिल्ड्रेन। Shall I proceed to the next thing? If yes, just raise your hand. Just raise your hand so that we can proceed ahead. Okay, wonderful. चलो देखो मैं इसको erase करता हूँ. I hope आपके पास formulas already हैं और आप understanding पे ही सारी जो discussion है वो understanding based है, ठीक है। So if you want to take a screenshot, you can. अब साइन 3a है या फिर साइन cos 3a है, tan 3a है, इन सबको समझने में कोई ज़्यादा परेशानी आपको नहीं आ रही है। देखिए मैं एक एक करके आपके लिए करके बताता हूँ। जैसे ये मैं साइन 3a की बात करता हूँ, राइट। ये सारे फॉर्मूलाज बेटा ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि 3a मुझे नहीं आता है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 2a प्लस a लिखना प्रेफर करूँगा, ठीक है। क्या लिखना प्रेफर करूँगा, 2a प्लस a। और हमें साइन a प्लस b तो आता ही है ना, ए की जगह पे मैंने 2a ले लिया और b की जगह पे a ले लिया, तो मैं यहाँ पे साइन a प्लस b का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकता हूँ। कितना हो जाएगा बताओ, साइन a, a की जगह पे मेरे पास 2a है, cos a, राइट,
प्लस कॉस ए साइन बी, बी की जगह पे मेरे पास कितना है ए। तो मैंने सिंपल तरीके से ये अप्लाई किया। ओके, अब मैंने तुम्हें क्या बताया, बेसिक हमारे पास ये कॉन्सेप्ट होता है या फिर बेसिक ये एक कन्वेंशन चला आ रहा है कि जो चीज़ जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में उसको रखा जाता है सिंप्लीफिकेशन के बाद। क्या ये फॉर्मूला सही है? 100% सही है। क्या ये फॉर्मूला एक्सेप्टेबल है? 100% एक्सेप्टेबल है, बट सिंप्लीफिकेशन के मार्क्स इसमें कट जाएंगे तुम्हारे पास। ठीक है, तो अगर ये तुम्हारे पास साइन 3a में है तो तुम इसको साइन a में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तुम्हारे देखो ना, लुक एट द फॉर्मूला गिवन, दे हैव कन्वर्टेड एवरीथिंग इनटू व्हाट, साइन a। ठीक है, तो हम उसमें कन्वर्ट करते हैं, कोई टेंशन नहीं है। हम क्या करने जा रहे हैं, साइन 2a हमने अभी भी सीखा है। साइन 2a कितना होता है बच्चों, देयर इज ट्वाइस ऑफ साइन a इनटू कॉस a, राइट। इसमें मैं ये कॉस a जब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मेरे पास कॉस स्क्वायर आ जाएगा ना, मैं स्क्वायर से लिख सकता हूँ। ठीक है, सिमिलरली कॉस 2a भी हमारे को पता है ना, कॉस 2a को मैं चाहूँ तो साइन में लिखूँ, मैं चाहूँ तो कॉस में लिखूँ, मैं चाहूँ तो टैन में लिखूँ। कॉस 2a एक ऐसी चीज़ है जिसको हम तीनों फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन कॉस टैन सब में लिख सकते हैं। क्योंकि हमें साइन में चीज़ों को कन्वर्ट करना है तो मैं इसको क्या प्रेफर करूँगा, मैं इसको साइन में रखने की कोशिश करूँगा। तो कॉस 2a की जगह पर मैं क्या लिखने जा रहा हूँ बेटा, मैं कॉस 2a की जगह लिखने जा रहा हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। बाहर मेरे पास एक साइन ए है, अगर आप कहो तो मैं यहाँ इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ। जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 के साथ किया तो ये साइन ए आ गया, और 2 के साथ किया तो ये साइन क्यूब आ गया, राइट। स्क्वायर था, साइन क्यूब आ गया, तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब बस सिंप्लीफाई करना रह गया है, और ये जो कॉस स्क्वायर वाला टर्म है इसको भी हम किस में कन्वर्ट करने की सोचेंगे, साइन में। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, इसको हम क्या लिखने जा रहे हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखने जा रहे हैं। और ये देखिए आपके पास ये कितना आ रहा है बेटा, दैट इज कमिंग आउट टू बी साइन ए, दैट इज कमिंग आउट टू बी ट्वाइस ऑफ साइन क्यूब ए व्हेन यू ओपन दिस, राइट। ये कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ साइन ए, ठीक है, ट्वाइस ऑफ साइन ए माइनस टू साइन क्यूब ए। ये वाला 2 साइन क्यूब है और ये वाला 2 साइन क्यूब है, दोनों 2 माइनस 2 माइनस 2 मिलके क्या बन गया बेटा, 4 साइन क्यूब है। और ये कितना हो गया, 2 साइन a प्लस साइन a, ये इसको क्या लिख दूं मैं, 3 साइन a। सो अल्टीमेटली व्हाट डू यू फाइंड, कि वंस यू डू द सिंप्लीफिकेशन दैट इज व्हाट यू गेट, एंड परहैप्स दैट इज व्हाट यू नीड, राइट। व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट, इट वाज व्हाट, इट वाज 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब। ठीक है, इस तरीके से ये वाली चीज़ भी आपको ध्यान रहती है। अब यहाँ पे कुछ और भी लिखा है, ठीक है, इसकी बात भी हम करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। क्या इन्हीं लाइन पे तुम कॉस 3a को भी अप्लाई कर दोगे? मैं हिंट जरूर से दे देता हूँ, बट हाँ मैं ये कुछ टास्क आपके लिए भी रखना चाहूँगा। कॉस 2a को कैसे अप्लाई करोगे, अगेन एक 2a ले लो और a ले लो, 3a की जगह पे हमने क्या लिया, 2a प्लस a ले लिया, और इसमें क्या अप्लाई करने वाले हैं, कॉस a प्लस b, और उसके बाद अगेन हर चीज़ को कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, वी शुड गेट दी आंसर। ठीक है, टैन 3a में क्या करोगे, टैन 3a के लिए क्या करोगे बच्चों, टैन 3a के लिए आप टैन a प्लस b अप्लाई करोगे। टैन a प्लस b व्हाट इज दैट, दैट इज टैन a प्लस टैन b, ठीक है बच्चों, डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैन a इंटू टैन b। ठीक है, वी जस्ट हैव टू पुट, अब यहाँ पे a की जगह पे क्या रखोगे, ट्वाइस ऑफ a रख लो, और b की जगह पे क्या रखोगे, यहाँ पे 2a रखोगे और यहाँ पे a रखोगे, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, टैन 3a मिल जाएगा। ठीक है, टैन 2a आपने अभी अभी प्रूव भी किया था, और टैन 3a वाला मैं कर देता हूँ, राइट, कॉस 3a वाला तुम कर लेना, टैन 3a वाला मैं कर देता हूँ। ठीक है, इरेज कर दूँ, अंकिता अनुष्का रितिका एंड वैभव, समझ में आ रहा है सब कुछ, ऑल वेल, यस सर, ओके फाइन। चलो देखो, तो टैन 3a वाली बात मैं तुम्हें डिस्कस करके बताता हूँ, राइट। और देखो, इन फॉर्मूलेज को अगर तुम एक्चुअली में मास्टर करना चाहते हो, समझना चाहते हो, और ये चाहते हो कि तुम उसको एग्जाम तक अप्लाई कर सको, तो ये सारी बातें जो ये डिस्कशन में अभी कर रहा हूँ, एक बार इसको फिर से तुम्हारे नोटबुक पे तुम खुद से करोगे। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारी रियल अंडरस्टैंडिंग इसके लिए डेवलप होगी। ठीक है, ये चीज़ें कभी भी सिर्फ देख के, ठीक है, समझ में तो आती हैं, लेकिन हम एग्जाम के लायक तभी हम प्रिपेयर होते हैं जब हम उसको खुद से एक बार कर लेते हैं। तो प्लीज मेक श्योर दैट आफ्टर द क्लास यू आर डूइंग इट वन मोर टाइम प्रॉपरली, ओके, एंड वेर एवर यू हैव अ प्रॉब्लम द रिकॉर्डेड वीडियो विल बी अपलोडेड बाय टुडे इवनिंग। ठीक है, देखो टैन 3a मैं एक बार आपके लिए प्रूव करके बताता हूँ। टैन 3a को मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, टैन 2a प्लस a, राइट। यहाँ पे मैं टैन a प्लस b का कॉन्सेप्ट लगाता हूँ, तो ये कितना हो गया, टैन ऑफ 2a प्लस टैन ऑफ a, टैन a प्लस टैन b, 1 ओवर टैन a टैन b, a मेरे पास 2a है,
और बी के जगह पे कितना है, इट इज ए। ठीक है बच्चों, अब टू टेन ए हमने अभी भी डिराइव किया, तो चलो उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। टू टेन ए कितना हो जाएगा मेरे पास, टू टेन ए होगा मेरे पास ट्वाइस ऑफ टेन ए ओवर वन माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, एंड दिस इज टेन ए। इन द डिनोमिनेटर व्हाट डू यू हैव, वन माइनस टू टेन ए ओवर वन माइनस टेन स्क्वायर ए, इंटू क्या करने जा रहे हो, टेन ए करने जा रहे हो। तो अगर आप ध्यान से देखो, जब इसको आप एलसीएम लोगे तो डिनोमिनेटर में भी सेम एलसीएम है, न्यूमिनेटर में भी सेम एलसीएम है, सो दैट विल बी अल्टीमेटली कैंसल्ड आउट। क्या बच रहा है, फोकस उस पर शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो ये तो तुम्हारे पास टू टेन ए आ गया, यहाँ टेन ए से ये वाली चीज़ मल्टीप्लाई होगी बेटा, तो क्या मिलेगा मुझे, टेन ए मिलेगा। तो टू टेन ए और टेन ए को मैं यहीं पे ऐड करना चाहता हूँ, ये कितना आ गया, थ्री टेन ए, और टेन ए इंटू टेन स्क्वायर ए क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव साइन के साथ टेन क्यूब ए। ठीक है, दैट इज वॉट वी गेट इन द न्यूमरेटर। लेट अस फोकस ऑन द डिनोमिनेटर नाउ, ये कितना आ गया, यहाँ जब वन से मल्टीप्लाई होगा तो वन माइनस टेन स्क्वायर ए, और यहाँ तुम्हारे पास क्या है, टेन स्क्वायर ए, तो क्या आ गया, वन माइनस टेन स्क्वायर ए एंड टू टेन स्क्वायर ए, यानी कितना आ गया बेटा, वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये तुमने टेन थ्री ए को भी डिराइव कर लिया। इज इट ओके एवरीवन, इफ यस जस्ट टाइप अ यस इन द कमेंट बॉक्स, इफ नो टाइप नो, डू इट फास्ट, जल्दी से करो, यस नो जो भी करना है करो, बट जल्दी से करो, सो दैट वी कैन प्रोसीड अहेड। ठीक है, ऑल वेल ऑल वेल। चलो आओ थोड़ी सी डिस्कशन इसके जो सेकंड पार्ट है, जो इधर जो हमारे पास चीज़ें रह रही हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये भी लाइक ये इलेवेंथ के ख्याल से इंपॉर्टेंट है, ट्वेल्थ में तो इतनी इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, लाइक कैलकुलस वगैरह में जो अभी तक तुमने किया ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, ये सब तुम ITS में और कैलकुलस में रीयूज करने जा रहे हो, ध्यान रखना ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ट्वेल्थ में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। ओके, तो चलो देखो जो हमारे पास इलेवेंथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, थोड़ी डिस्कशन उस पर भी कर देते हैं, लाइक हम इसकी बात भी करते हैं कि आखिर ये वाली चीज़ साइन थ्री ए या फिर थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब ए कैसे है। तो आओ इनमें से एक चीज़ मैं कर देता हूँ, बाकी दो चीज़ें, बिकॉज देखो मैंने अभी तक तुम्हें सब कुछ कराया, मैंने सिर्फ ये तुम्हारे लिए छोड़ा है जो मुझे उम्मीद है तुम कर लोगे, बिकॉज हिंट मैंने आपको दे दिया है। अब यहाँ से मैं एक कोई भी एक करा देता हूँ, तुम जैसा बताओ, ठीक है, साइन वाला करा देता हूँ, बाकी के दो उसी लाइन पे आप ट्राई कर लेंगे। तो देखिए ध्यान से, मैं ये फर्स्ट पार्ट आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, प्लीज पे अटेंशन। सो द फर्स्ट पार्ट इज, दिस इज फोर टाइम्स साइन 60 डिग्री माइनस ए इनटू साइन ए एंड दिस इज साइन 60 डिग्री प्लस ए, दिस इज व्हाट, दिस इज द आरएचएस। हमने आरएचएस से शुरू किया है और हम कहां तक पहुंचना चाहते हैं, एलएचएस तक पहुंचना चाहते हैं। यहां पे हालांकि मैं तुम्हें अगर एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूं तो तुम्हारे लिए ये बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें कोई भी फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं बताता हूँ, मैं हर चीज़ तुम्हें प्रूफ के साथ बताना चाहता हूँ। तो देखो मैं इस पे पहुँचने से पहले तुम्हें एक बहुत बढ़िया सा फॉर्मूला दे रहा हूँ, इलेवेंथ क्लास के अच्छे क्वेश्चन में ये वाली चीज़ आपको मिल सकती है कई जगह पर, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, कभी भी अगर इस फॉर्म का है, ध्यान से देखो ये a प्लस बी के फॉर्म का है और ये a माइनस बी के फॉर्म का, और ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, राइट, हम इस साइन ए को उठा के यहाँ रख सकते हैं ना, क्या फर्क पड़ रहा है, देयर ऑल इन मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो हम इस चीज़ को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, अगर हमें इसके लिए कोई फॉर्मूला मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है इसके लिए फॉर्मूला होता है तुम्हारे पास, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है, बल्कि साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, और देख लेते हैं, राइट, आइए इसको समझ के देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बहुत इजी है, दो स्टेप का है, तुम्हें समझ में आ जाएगा। साइन ए प्लस बी की फॉर्मूला तुमने अभी अभी क्या था, क्या था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, करेक्ट, और साइन ए माइनस बी में कुछ नया नहीं आने जा रहा, यही वाली चीज आने जा रही है, बस बीच में प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, तो ये रहा तुम्हारे पास, प्लस की जगह माइनस हो गया, ठीक है ना।
दैट इज वॉट यू विल बी गेटिंग वंस यू एक्सप्रेस दिस. अब ये कौन सा फॉर्म है? दिस इज लाइक एक्स, दिस इज लाइक वाई, दिस इज लाइक एक्स, दिस इज लाइक वाई. एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या होता है बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ठीक है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू गेट. तो आइए इसको देखते हैं, लिखते हैं. फर्स्ट टर्म का स्क्वायर दैट मीन्स वी हैव साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी. ठीक है, इन ऑर्डर टू टेक थिंग्स इन अ इन द ईजिएस्ट मैनर, मैं ये सजेस्ट करूँगा इसको तुम किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट कर लो. ठीक है, जैसे या तो तुम चाहो तो साइन में ले लो या फिर तुम चाहो तो कॉस में ले लो. तो क्योंकि ये साइन में है तो हम साइन में लिखना प्रेफर करेंगे, हालांकि डिपेंडिंग ऑन दी कंडीशन हम अलग अलग चीज़ें कंसिडर कर सकते हैं, बट क्योंकि ये साइन में है तो हम इसमें साइन ही प्रेफर करेंगे. तो देखिए, अगर मैं इसमें साइन प्रेफर करता हूँ तो मैं कॉस स्क्वायर वाले टर्म जो है उसको क्या करूँगा, मैं उसको साइन में लिखने की कोशिश करूँगा. देखो यहाँ कोशिश करते हैं, तो साइन स्क्वायर वाले टर्म को मैं एज इट इज रहने दे रहा हूँ और कॉस स्क्वायर वाले टर्म को मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखने जा रहा हूँ. थीटा की जगह पे बी है तो बी आ जाएगा. अगेन वन कॉस स्क्वायर ए को मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, वन माइनस साइन स्क्वायर ए लिखने जा रहा हूँ. और ये जो साइन स्क्वायर है इसको मैं बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा. तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हैं बच्चों, राइट, थोड़ा सा दिमाग, ये साइन स्क्वायर बी था, राइट, दिस वाज साइन स्क्वायर बी, राइट, ये सेकेंड टर्म में आपके पास साइन का कौन सा टर्म था, बी वाला टर्म था. अगर थोड़ा सा यहाँ पे माइंड अप्लाई कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं क्या, ये तो आ गया आपके पास साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी. और यहाँ देखो साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी यहाँ भी आएगा और ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा. तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ कैंसिल हो जाएगी. यहाँ से तुम्हें क्या मिलने जा रहा है, माइनस ऑफ साइन स्क्वायर बी. ठीक है, तो इसको तुम अगर ध्यान रख लो, मैंने शायद कॉस स्क्वायर लिख दिया था तो मैंने बोला चलो फटाफट से एक बार देख लेते हैं, राइट. तो आप ये ध्यान भी रखेंगे, इट इज व्हाट, इट इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. ओके, दैट इज व्हाट इट इज. और जैसे तुम्हें ये वाली चीज ध्यान रहती है तो अब तो इस तरह के क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना या समझना या फिर उसको प्रूव करना कोई मुश्किल बात नहीं रह जाती. ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, बिकॉज हम लोग आज हार्ड कोर फॉर्मूले पे ही पूरा पूरा डिस्कशन कर रहे हैं. मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स, मल्टीपल्स, राइट, ए के मल्टीपल्स, टू ए, थ्री ए, फोर ए, कुछ भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है बच्चों, अब आइए, इट इज़ टाइम टू प्रूव दी एक्चुअल थिंग जिसको हम चाह रहे थे. तो यहाँ से मैं प्रूव करना शुरू करता हूँ. फोर को मैं एज इट इज रहने दूंगा, इसको मैं क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. ए की जगह पे 60 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, दैट विल बी साइन स्क्वायर 60 डिग्री. और ये क्या हो जाएगा बेटा, दैट विल बी साइन स्क्वायर ए. ठीक है, और यहाँ मेरे पास बाहर साइन ए ऑलरेडी कॉमन है. तो देखो ये फोर तो एज इट इज रह गया, और तुम मुझे बताओ कि साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन 60 डिग्री कितना होता है. साइन 60 डिग्री कितना होता है बेटा, रूट 3/2 होता है. इसका मुझे होल स्क्वायर करना है तो होल स्क्वायर कर देता हूँ. और ये वाली चीज़ कितनी रह गई, दिस इज साइन स्क्वायर ए और बाहर तुम्हारे पास एक साइन है, दैट इज ऑल. बस तुम इसको मल्टीप्लाई करो एंड इट इज डन. तुमने फोर से मल्टीप्लाई किया अंदर, ये कितना आ गया, 3/4, तो बचेगा क्या, 3. क्या आएगा, दिस इज 3 साइन ए. और ये कितना हो जाएगा, 4 साइन क्यूब ए. क्या ये कुछ जाना बचाना है, हाँ, क्या है ये, साइन 3 है. बिल्कुल इसी तरीके से आप कॉस 3 ए को भी यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं. अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर क्या कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी का भी ऐसा कुछ फॉर्मूला है जो आपने बताया अभी साइन के लिए, तो हाँ बिल्कुल है बेटा, क्यों नहीं है. हर चीज़ के लिए एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है, राइट. यहाँ अभी आपने क्या प्रूव किया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट. आपने अभी अभी ये प्रूव किया कि अगर आपके पास कभी भी साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्म कहीं पे भी मिल जाए तो ये चीज़ हमेशा कितनी होती है, ये चीज़ हमेशा होती है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. समझ रहे हो कि नहीं, दिस ऑलवेज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. ओके, आओ कॉस के लिए क्या होती है इसको भी यहाँ पे हमें डिस्कस जरूर कर लेना चाहिए. आइए कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, राइट. हम यहाँ पे ये डिस्कस कर लें तो आप जब खुद से इसको प्रूव करोगे तो डायरेक्टली अप्लाई कर लोगे उसको एंड यू विल गेट द आंसर. कितना आ जाएगा, कॉस 3 आ जाना चाहिए. तो आओ इसको मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ. कॉस ए प्लस बी ये हम लोग जानते हैं क्या, यस. क्या होता है बेटा,
इट इज कॉस ए कॉस बी, जब प्लस होता है तो माइनस, साइन ए साइन बी, ठीक है। और आपको पता है यही वाली चीज दोबारा से आ जाएगी, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, ये रही तुम्हारे पास यही वाली चीज दोबारा से आ गई। ये मल्टीप्लीकेशन में है, इसका हमें ध्यान देना है, राइट, दीज टू टर्म्स आर, बस यहाँ पे यहाँ कॉस के माइनस बी करेंगे तो ये यहाँ पे क्या जाएगा, ये मेरे पास प्लस हो जाएगा। अब ये कौन सा फॉर्म है बेटा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्म है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है हमारे को बताओ, ए दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो तुम्हारे पास क्या आ गया, तुम्हारे पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर विच इज कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, और सेकेंड टर्म का स्क्वायर विच इज साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। क्या ये आंसर सही है? बिल्कुल सही है, लेकिन सिंप्लीफाइड नहीं है, तो हमें सिंप्लीफाइड कर लेना चाहिए, ठीक है। तो कर लेते हैं, ऐसा करते हैं कि ये हमारे पास अभी साइन के फॉर्म में है और ये कॉस के फॉर्म में है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ऐसा करते हैं कि कॉस वाले जो टर्म है, जो ए वाला टर्म है, इसको कॉस में रहने देते हैं और बी वाले टर्म को साइन में चेंज करते हैं, सब जगह पे ऐसा ही करते हैं, ठीक है। तो शायद कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएं, बिकॉज यहाँ पिछले बारे में तो एक दोनों चीज़ें साइन कॉस में थी, बट यहाँ पे दोनों चीज़ें या तो कॉस में या फिर साइन में है, तो किसी एक को एक में कन्वर्ट करते हैं ताकि जो भी कैंसिल होने लायक हो वो हो जाए, ठीक है। तो मैंने क्या डिसाइड किया कि ए वाली चीज़ को तुम अगर बी वाली चीज़ को भी करोगे तो भी तुम्हारा रिजल्ट सही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप दोनों अभी दोनों हम लोग करके देख लेंगे। तो हमने बी वाली चीज़ को साइन में लिया और ए वाली को कॉस में रहने दिया, हम यही वाला काम दोनों जगह पे कर रहे हैं। तो हमने इसको क्या रखना है, इसको हमने कॉस में रखना है। तो ये मेरे पास कितना आ गया, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ठीक है। हमने बी को साइन में ही रखा, ओके। देखो क्या आ रहा है तुम्हारे पास, ये आ गया तुम्हारे पास कॉस स्क्वायर ए और यहाँ से आएगा माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है ना बच्चों, साइन स्क्वायर बी। यहाँ देखो माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए और यहाँ प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, सेम चीज़ है, प्लस माइनस वो चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से तुम एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन ड्रॉ करते हो क्या, कि अगर कभी भी कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी आता है, राइट, कभी भी, अगेन मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, राइट, अगर कभी भी आपके पास कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी ऐसी चीज कभी भी आती है, तो आप इसको क्या लिखने जा रहे हैं, जो भी फर्स्ट एंगल है उसका कॉस का स्क्वायर और सेकेंड एंगल का साइन का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है बच्चों। क्या इसको हम किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं क्या, आओ सोच के देखते हैं, कोई टेंशन नहीं है, राइट। जैसे अगर मैं इसको लिख दूं वन माइनस साइन स्क्वायर ए और इसको लिख दूं वन माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो क्या ऐसा भी ये सही है क्या, इज इट कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, सर्टेनली यस, राइट। ये वाली चीज माइनस हो जाएगी और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो अगर तुम फर्स्ट एंगल सेकेंड एंगल को इंटरचेंज भी कर देते हो तो भी यू गेट द सेम रिजल्ट, यू कैन अप्लाई इट इन दिस पार्टिकुलर थिंग एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट एंड यू विल बी एबल टू प्रूव इट एज वेल, इज इट ओके, इफ यस जस्ट रेज योर हैंड। हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ फॉर्मुलेज को ही डिस्कस किया है, सिर्फ फॉर्मुलेज को डिस्कस किया, जस्ट रेज योर हैंड इफ इट इज ओके, इफ इट इज नॉट ओके जस्ट टाइप, राइट, अगर नहीं समझ में आया तो टाइप करके बता दो, समझ में आ गया तो हैंड रेज करो जल्दी से, या माइक भी यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ओके। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो माइक भी यूज कर सकते हो, ओके। आओ कुछ इसकी रियल इंपॉर्टेंस देखते हैं, आखिर हम लोग ये पढ़ क्यों रहे हैं, इस पे आते हैं, द मोर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, राइट, हम लोग आखिर इसको पढ़ क्यों रहे हैं, इस पे आते हैं। देखो बच्चों हम क्यों पढ़ते हैं, इस बात की अभी हम लोग ध्यान से देखेंगे इस पे, राइट। सपोज करो तुम्हारे पास साइन थीटा में तुम्हें क्या क्या आता है, तुम्हें 0 डिग्री आता है, 30 डिग्री आता है, 45 आता है, 60 आता है और 90 आता है, कितनी आती हैं वैल्यूज, राइट, इसको आप रेडियंस में भी देख सकते हैं, राइट, दैट इज 0 रेडियंस, दैट इज 5/6, दैट इज 5/4, दिस इज 5/3 एंड दिस इज 5/2, राइट, दैट इज व्हाट इट इज। साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा हमें सबके लिए ये वैल्यूज मालूम है, राइट, सबके लिए ये वैल्यूज हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, राइट, 10th से पहले से ये सब चीजें तुम पढ़ रहे हो, राइट, यू मस्ट बी ओके विद दैट। नाउ इट इज टाइम टू मूव अहेड, कि अगर इसके अलावा भी अगर कुछ हमारे पास आ जाए तो क्या हम लोग इतना कुछ जानते हैं,
अगर हमारे पास आसान वाली चीज़ पहले लेते हैं, अगर हमारे पास आ जाए कि भैया बताओ 15 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो क्या हम कभी कैलकुलेट कर पाएंगे? क्या हमारे पास आ जाए साइन 75 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो क्या हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे? अगर ये आपको दे दें कॉस 15 डिग्री, या कोई भी दूसरा एंगल ले लो जो हमने अभी तक नहीं डिस्कस किया है, मान लो 36 डिग्री, राइट? इस तरह की चीज़ें जब हमारे पास आती हैं तो थोड़ी परेशानी होनी शुरू होती है, राइट? तो देखो, अब हम उन्हीं चीज़ों को जो हमने अभी सीखा है उनकी यूज़ करके हम यहाँ पे ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? वी कैन डू ऑल दीज थिंग्स वेरी इजीली। पहले दो तो इनफैक्ट बहुत ईजी हैं, हाँ जो तीसरा वाला है वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, राइट? मैं मुश्किल उसको भी नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ थोड़ा कैलकुलेटिव ज़रूर है। जैसे फर्स्ट तो तुम लोग ओरली समझ जाओगे, राइट? इसको तुम कैसे लिख सकते हो, 15 डिग्री को तुम लिख सकते हो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री साइन ए माइनस बी, राइट? ए माइनस बी, या फिर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, मर्जी है तुम्हारी, साइन 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। इन बोथ द केसेस यू विल गेट द आंसर, राइट? कितना आ जाएगा बेटा, आपके पास आ जाएगा साइन ए यानी कि 145 डिग्री इंटू कॉस बी, कॉस 30 डिग्री कितना होता है, रूट 3/2 माइनस, राइट? मैंने ये वाला अप्लाई किया, आप चाहे दूसरा अप्लाई कर लें, दैट बी ऑल द सेम, आपको आंसर सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? अब ये कितना आ गया तुम्हारे पास, कॉस ए, कॉस ए इज हाउ मच, कॉस ए इज दिस, राइट? एंड साइन बी, साइन बी इज हाउ मच, दैट इज 1/2। इस तरीके से आपको ये रियलाइज होता है कि रूट 3 माइनस 1 ओवर 2 रूट 2, दैट इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, साइन 15 डिग्री। जनरली हम लोग क्या करते हैं, इसको रैशलाइज कर देते हैं, क्योंकि नीचे रूट अगर कोई भी चीज़ होती है तो उस रूट को वहाँ से हम लोग हटा देते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल रूट रैशलाइज कर देंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा रूट 2 इंटू रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है? इतने आसानी से साइन 15 डिग्री निकल के जाता है। आई होप अब तुम इसको ईजिली कर लोगे। कैसे करोगे इसको, 75 कैसे लोगे, 45 प्लस 30 ले लेना, समझ रहे हो कि नहीं? 45 प्लस 30 से यू विल गेट 75, साइन ए प्लस बी अप्लाई कर दोगे। हाँ, यहाँ पे प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, दिस इज वेयर वी स्टार्ट गेटिंग सम प्रॉब्लम, राइट? या फिर हमसे कॉस 15 डिग्री कहते हैं तो वहाँ पे भी कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी से हम लोग कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना? 45 डिग्री 75 डिग्री इज ओके, नो प्रॉब्लम विद दैट। आर यू अंडरस्टैंडिंग कि हम लोगों ने अभी क्या किया है और उसकी एप्लीकेशन किस तरीके से है? इफ येस, क्विकली टाइप येस, देन आई विल प्रोसीड अहेड, राइट? दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट इज देयर, जो तुमने अभी सीखा है उसको इस तरीके से अप्लाई करना होता है, ठीक है? तो जल्दी से जरा यस टाइप करके बताओ अगर यहां तक समझ में आ रहा है तो। क्लियर है? ओके, ठीक है, फाइन, दैट इज फाइन। तो आओ इस 36 डिग्री को जरा समझते हैं, ये जो टेढ़ा वाला एंगल है ना, इसको समझते हैं, देखते हैं आखिर ये होगा कैसे, और थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, देखते हैं क्या इसमें पॉसिबिलिटी है, राइट? तो चलिए मैं आपके साथ इसको डिस्कस करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। हम लोग क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, साइन या कॉस कोई सा भी ले लो, राइट? एक बार तुमने किसी एक को कैलकुलेट कर लिया तो दूसरा तो वैसे ही निकल के आ जाएगा। सपोज करो तुमने यहाँ पे साइन 36 डिग्री कैलकुलेट किया, राइट? अगर तुमने साइन 36 डिग्री कैलकुलेट कर लिया बेटा, तो कॉस 36 डिग्री कैलकुलेट करने में तुम्हें वैसी परेशानी नहीं आएगी। क्यों? कॉस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है? या फिर अगर तुमने साइन थीटा चाहिए, कॉस थीटा निकाल रखा है, तो फिर वहां पे भी तुम इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? तो सिर्फ एक चीज निकाल लो, दूसरी चीज ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। चलो अब देखते हैं इसको आखिर कैसे सोचे। देखो, इसमें सोचने का प्रोसेस क्या है आपका, मतलब आपके माइंड में क्या चलना चाहिए जब ऐसी चीजें कंडीशन आती हैं। तो मैं ये देखता हूँ, ये जो 36 डिग्री है, राइट, 36 डिग्री है, इसको क्या मैं कुछ ऐसा एंगल बना सकता हूँ जिसकी वैल्यू हमें मालूम है, राइट? डबल करूँगा तो 72 हो जाएगा, ट्रिपल करूँगा तो 108 हो जाएगा, 4 टाइम्स करूँगा तो 144 हो जाएगा, और अगर मैं 5 टाइम्स करूँगा, 5 टाइम्स तो 180 हो जाएगा। तो यार ये 144 72 में तो मुझे कुछ भी नहीं आता, राइट? लेकिन हाँ, 180 का तो आता है, यानी मैं इसमें क्या करने जा रहा हूँ, मैं इसको 5 टाइम्स करने जा रहा हूँ। ध्यान से देख लो मैं क्या कर रहा हूँ, इससे बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छा है, और अगर तुम ये चीज़ें समझने लग गए तो तुम्हें मज़ा आएगा, राइट? तो मैंने क्या लिया कि हमारे को थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, 36 डिग्री दे रखी है। हमने इस क्वेश्चन की स्टार्ट कैसे की, हमने ये देखा कि अगर थीटा 36 है तो 5 थीटा हमारे पास कितना है बेटा, इट इज़
180 डिग्री, राइट। हमने 5 थीटा ही क्यों लिया, क्योंकि इससे पहले जितने भी इसके मल्टीपल्स आ रहे हैं उसकी वैल्यू हमें नहीं पता, ना हमें 72 की पता है, ना 108 की पता है, ना 144 की पता है, हाँ 180 की पता है, इसलिए हमने इसको 5 टाइम्स किया है, ठीक है। तो हर चीज़ के पीछे लॉजिक बड़ा क्लियर होना चाहिए कि आखिर हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो 180 डिग्री का हमें पता है, चाहे साइन है, कॉस है, टैन है, हमें सबका पता है 180 क्या, 180 तो एंगल तुम्हें ध्यान ही होगा ना, 180 इज दिस कंप्लीट एंगल, राइट, हाफ एंगल, राइट, सेमी एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल, तो यहाँ पे तो सारी बातें, सारे रेशियोज तुम्हें पता है, इसीलिए मैं 180 से शुरू कर रहा हूँ, ओके। तो चलो देखो, अब ये जो 180 डिग्री है इसको मैं ऐसे 5 थीटा लेके चलूंगा तब तो बड़ी परेशानी आएगी, क्योंकि 5 थीटा का तो एक्सपेंशन हम लोगों ने, हालांकि हम लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोगों ने 3 थीटा कर लिया, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जितना हमने किया अगर उतने से बात बन जाए तो और भी अच्छा है, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट ना लगाना पड़े, ठीक है। तो मैं देखो 5 थीटा को कैसे लिखना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ 3 थीटा प्लस 2 थीटा, क्या लिख रहा हूँ मैं, 3 थीटा प्लस 2 थीटा, तो ये रहा तुम्हारे पास 3 थीटा और प्लस 2 थीटा, उस प्लस 2 थीटा को अगर मैं दूसरी तरफ ले जाऊँ तो क्या आ जाएगा, दिस इज सके, ठीक है। कितना आ गया मेरे पास, मेरे पास आ गया 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, ठीक है, मैंने इस तरीके से इसको लिख लिया। अब क्योंकि मुझे साइन चाहिए तो मैं दोनों तरफ साइन ले लेता हूँ, टेकिंग साइन ऑन बोथ द साइड्स, ये देखो कितना बन गया बेटा, दिस साइन 3 थीटा एंड दिस इज व्हाट, साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। साइन 3 थीटा की वैल्यू हमें मालूम है क्या, हाँ हमने अभी भी प्रूव की थी, और हमें इसको ध्यान रखना है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, राइट। और 180 डिग्री माइनस 2 थीटा क्या होता है बेटा, 180 डिग्री माइनस थीटा हमेशा साइन थीटा होता है, बिकॉज ये तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तुम्हारा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये हो जाता है तुम्हारे पास कितना, साइन 2 थीटा। इस साइन 2 थीटा को मैं क्या लिखना चाहूँगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखना चाहूँगा, क्या लिख रहा हूँ मैं इसको, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख रहा हूँ, ठीक है बच्चों, दैट इज वॉट आई एम राइटिंग हेयर, ओके। अब क्या करें, अब आखिर हम लोग क्या करें, हमें तो भाई साइन थीटा चाहिए बिकॉज थीटा, तो ठीक है थीटा तक तो पहुंच गए, 5 थीटा से तो हमारा छुटकारा मिल चुका है हमें, अब हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो अब एक्चुअली में क्या है ना, अब यहाँ पे थोड़ी सी हम लोग बेसिक अलजेब्रा की जरूरत पड़ेगी। जैसे देखो यहाँ पे अगर मैं दोनों तरफ साइन थीटा कॉमन ले लूँ, ध्यान से देख लो, राइट, इफ आई टेक साइन थीटा कॉमन तो मेरे पास क्या आता है, मैं इसकी बात करूँगा, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी साइन थीटा, मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया मेरे पास 4 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आ गया मेरे पास 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये साइन थीटा दोनों तरफ मैं कैंसिल कर सकता हूँ, क्यों कैंसिल कर सकता हूँ, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है पहली चीज़, और दूसरी चीज़ इसलिए भी हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि हमें ये पता है कि साइन थीटा की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती है, राइट, साइन थीटा की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती है, क्यों, क्योंकि आपको पता है साइन ज़ीरो ही ज़ीरो होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, तो यहाँ पे थीटा 36 है, तो साइन 36 कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, इस वजह से भी हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास यहाँ कॉस थीटा है और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर चीज़ को कॉस में कन्वर्ट कर लूँ, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करना इजी है, बट कॉस थीटा को साइन में कन्वर्ट करने में अंडर रूट आ जाएगा तो कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी, इसीलिए मैं इस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस में कन्वर्ट करना प्रेफर करूँगा। तो देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे आगे कर रहा हूँ, ये बन गया मेरे पास 3, ये रहा 4, और साइन स्क्वायर थीटा को हमने कितना लिखा, हमने इसको लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट साइड पे मेरे पास क्या बचा है, ट्वाइस ऑफ कॉस थीटा बचा है, वंडरफुल, दैट गोज एब्सोल्युटली फाइन। सो नाउ What is it? Minus 4 into minus cos square theta. I'll write it as 4 cos square theta. इस cos theta को उठा के अगर मैं left side पे ले आऊँ तो ये आ जाएगा मुझे twice of cos theta. और यहाँ क्या बच रहा है मेरे पास, minus 4 plus 3, which is minus 1. This is your expression that you are getting. Is it a quadratic equation? Yes. If you take cos theta as x, then you have 4x square minus 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. क्या ये आसानी से फैक्टराइज हो रहा है क्या, हाँ मुझे तो लग रहा है हो रहा है, 4x square, ना नहीं हो रहा है,
क्योंकि अगर मैं माइनस फोर एक्स और प्लस टू एक्स लिखूंगा तो मुझे माइनस एट एक्स मिलेगा, जबकि मुझे माइनस फोर एक्स चाहिए। तो कोई बात नहीं, कोई भी चीज़ अगर फैक्टराइज नहीं होती तो क्या करते हैं, वही जनरल एक्सप्रेशन लगा देते हैं अल्फा बीटा वाला, जिसको हम लोग हिंदी में श्री धराचार्य मेथड भी कहते हैं, राइट। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी अल्फा एंड बीटा, दैट इज यहाँ पे हमारे पास एक्स है, कितना हो जाता है माइनस बी माइनस ऑफ माइनस टू, कितना हो जाएगा प्लस टू, प्लस एंड माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना होगा बेटा, बी स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारे पास माइनस टू का स्क्वायर, माइनस फोर ए सी, फोर फोर ज़ा सिक्सटीन एंड माइनस वन, यानी कि कितना हो गया प्लस सिक्सटीन, डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ ए का मतलब कितना आ गया बच्चों, दैट इज एट। तो x की वैल्यू तुम्हारे पास 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 20 आ रही है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 20 आ रही है। अब तुम्हें मालूम है कि x cos थीटा है तुम्हारे पास, और x cos थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए मैं ये माइनस साइन को यहाँ से इग्नोर करूँगा, यानी वैल्यू क्या लूँगा, मुझे अभी क्या पता लगी, मुझे अभी तक सिर्फ cos 36 की वैल्यू पता लग गई है। कितनी पता लगी है, अगर मैं ऊपर नीचे 2 कॉमन ले लूँ, ध्यान से देखो, तो यहाँ बचेगा 1, और ये मैं क्या लिख सकता था, 20 को मैं लिख सकता था 4 इंटू 5, तो 4 मैं अगर बाहर जाऊँगा रूट के बाद तो वो क्या बनेगा 2, तो 2 बाहर चला गया, ये कितना आ गया रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4, सो दैट इज वॉट यू गेट एज द वैल्यू ऑफ cos 36 डिग्री, ठीक है, cos 36 डिग्री। बट हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था साइन 36 डिग्री। तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात मैंने तुम्हें अभी भी बताई कि अगर तुमने कोई भी साइन थीटा या कॉस थीटा में से कोई एक चीज़ निकाल ली तो दूसरी चीज़ निकालने में कोई तकलीफ नहीं आती। कितना निकाला तुमने, 1 प्लस रूट 5 बाई 4, ठीक है, 36 डिग्री की वैल्यू तुमने कैलकुलेट कर ली। ओके, इज इट ओके चिल्ड्रेन, इफ येस जस्ट टाइप आई यू इन द कमेंट बॉक्स, एंड वंस यू टाइप आई यू देन आई ऑल्सो कैलकुलेट वॉट इज साइन 36 डिग्री, डू इट फास्ट, जल्दी से बताओ, यहाँ तक सब क्लियर है। ओके, अंकिता एंड अनुष्का आई यू, रितिका का अभी आई यू नहीं आया है। रितिका तुम्हें समझ में नहीं आया बेटा, फिर से रिपीट कर दूं? यस सर, एक बार कर दीजिए। ओके, मैंने यहाँ पे कुछ खास नहीं किया, मैंने यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज रखी हैं बेटा, जिस तरीके से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो मैंने सिर्फ वही किया है। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, एंड वट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स हेयर, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर ट्वाइस ऑफ ए, यही तो होता है बेटा, राइट। मैंने सिर्फ उसी चीज़ को यहाँ पे अप्लाई किया और सिंप्लीफाई किया है, राइट। और एक्स की वैल्यू हमारे पास, ये एक्स हमारे पास कितना है, ध्यान से देखो, एक्स कितना है, कॉस थीटा है, थीटा कितना था तुम्हारा 36 था, मतलब तुमने ये जो कैलकुलेट किया दिस इज एक्चुअली वॉट, दिस इज एक्चुअली कॉस 36 डिग्री। यहाँ पे तुम्हारे पास प्लस माइनस दोनों था, मैंने माइनस साइन को इग्नोर किया, क्यों इग्नोर किया, बिकॉज दिस पर्टिकुलर थिंग इज cos 36 डिग्री एंड cos 36 डिग्री कैन नेवर बी नेगेटिव एज इट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एवरी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो इज व्हाट, इट इज पॉजिटिव। तो जब मैंने इसको कैलकुलेट किया फाइनली कितना आ रहा है, 1 प्लस रूट 5 बाई 4 आ रहा है। ओके, अब यहाँ से देखो, मैं इन कैलकुलेशन को यहाँ से हटा रहा हूँ, अगर तुमने नहीं लिखा है तो स्क्रीन शॉट ले लो, बिफोर आई रेज इट यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट, I hope you have done. देखो quickly I'll jump to calculate what is sine 36 degree. तो sine 36 degree के लिए मैं कुछ खास कोई ऐसा बहुत अलग सा काम नहीं करने जा रहा हूँ, मैं इसमें सिर्फ यही apply करने जा रहा हूँ that sine square theta is always equal to what, 1 minus cos square theta. Square हमें नहीं चाहिए इसलिए मैंने इधर under root लगा दिया, तो बस यहाँ पे value रखते ही तुम्हारे पास answer आने जा रहा है। इसका square करोगे, square कर दो बेटा, कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी डिवाइडेड बाई दिस, कितना आ गया बेटा, दैट इज 16, ठीक है, दैट इज वॉट यू गेट हेयर। लेट अस डू द एंटायर कैलकुलेशन, सो व्हेन यू मूव अहेड दिस इज कमिंग आउट टू बी साइन 36 डिग्री, दैट इज टेक द अंडर रूट, अगर डिनोमिनेटर का तुम एलसीएम ले लो तो एलसीएम को जब बाहर लाओगे तो वो तो 4 बन जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम, और इधर क्या चीज़ आ जाएगी इस पे ध्यान दे दो, ये हो गया तुम्हारे पास 16, और इसमें से ये जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना आएगा माइनस 6, और ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी माइनस 2 रूट 5, ठीक है, दैट इज़ व्हाट यू आर गेटिंग, ठीक है। 16 का जब ये पूरा पूरा बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा ना, ये 4 एज इट इज आ रहा है। ओके, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, ये मेरे पास जो चीज़ आ रही है दिस इज कमिंग आउट टू बी 10 माइनस 2 रूट 5, दिस इज व्हाट, दिस कमिंग आउट टू बी 10 माइनस 2 रूट 5,
इज इट द फाइनल आंसर? वी कैन ऑलवेज से यस दिस इज द फाइनल आंसर. क्या हम इसको कुछ और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं क्या? कैन वी थिंक ऑफ समथिंग? राइट, 2 root 5 है और ये मेरे पास 10 है. चलो थोड़ा सोचते हैं. जैसे अगर मैं थोड़ा सोचूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इस 10 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना. हम इस 10 को लिख सकते हैं √5 एंड √5 का स्क्वायर. ये क्या बना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. नहीं, वहाँ पे सर ये 2 root 5 नहीं बनेगा. कोई बात नहीं, लीव इट लाइक दैट देन. ठीक है, बिकॉज ऐसा कोई ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है. तो आपके पास ये वैल्यू आ जाती है, राइट, कि साइन 36° की वैल्यू कितनी आ जाती है आपके पास? 10 - 2 root 5/4. ठीक है, दैट इज़ वॉट यू कैन डू इट. कुछ और सिंप्लीफिकेशन अगर पॉसिबल है यू कैन ऑलवेज ट्राई. इज इट ओके चिल्ड्रेन?